नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, स्वर्टेक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। तो दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये दूसरी कंपनीज के लिए जो है दवाइयां बना रही है। जैसे कि हम इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रास फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा लिंकन फार्मास्यूटिकल्स, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी हेल्थ केयर। तो ये सभी जो कंपनीज है उनके लिए जो है ये कंपनी दवाइयां बनाती है। और दवाइयों में दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट्स कौन से हैं इनके, तो अगर आप प्रोडक्ट रेंज की बात करो तो टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस, तो एक्सटर्नल प्रिपरेशन के जो ट्यूब वगैरह आते हैं उसका जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और टैबलेट्स के अंदर भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो ये पैरासीटामोल के जो टैबलेट्स आते हैं उसका जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कैप्सूल्स के अंदर भी जो है काफी सारी जो डिजीज होती है जैसे कि डायबिटीज के रिलेटेड या तो फिर गायनोकोलॉजी के रिलेटेड जो दवाइयां चाहिए होती है उसका जो है कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है अवेलेबल साणंद गुजरात के, तो गुजरात में जो है इनकी दो तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहां से जो है ये सभी प्रोडक्शन जो होता है वहीं उसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जो है ये कंपनी करती है। कंपनी के 162 से भी ज्यादा जो है क्लाइंट्स है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है। और कंपनी की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो है 90 करोड़ टेबलेट्स एक साल के अंदर जो है ये कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है और 14 करोड़ कैप्सूल्स जो है उसका प्रोडक्शन कंपनी ये कर सकती है। अभी इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था अराउंड 29 करोड़ के आसपास का था, 21 में ये बढ़ के अराउंड 49 करोड़ हो गया, 22 में ये बढ़ के 73 करोड़ हो गया, लास्ट 6 मंथ्स के रेवेन्यू की बात करूं तो अराउंड 40 करोड़ के आसपास का। तो रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा हमें यहाँ पे जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट था मार्च 2020 में। कंपनी को 2021 में जो है लॉस हुआ था, तो अराउंड 2.5 करोड़ का जो है लॉस हुआ था। फिर 22 में अच्छी खासी रिकवरी की कंपनी ने, यहाँ पे 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। और लास्ट 6 मंथ्स का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 46 लाख का जो है कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो दोस्तों, अगर आप इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 2020 में जो है इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था, 1% से भी कम था। और 22 में इन्होंने जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज किया है 3-4% के आसपास, लेकिन सितंबर में अगेन जो है ये काफी कम हो गया है। तो ये जो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है अपना जो है मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो एक कंसर्न वाला फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड कंसर्न वाला फैक्टर ये देखने को मिल रहा है कि इनका सिर्फ 15 लाख का बोरिंग था मार्च 2020 में, वो बढ़ते बढ़ते इनका जो बोरिंग हो गया सितंबर 2022 में अराउंड 22 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। और अगर आप मार्च से लेकर सितंबर तक का बोरिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, पहले 11 करोड़ था, अभी जो है ये 22 करोड़ हो गया। तो वो भी एक कंसर्न वाला फैक्टर है। कंसर्न वाला फैक्टर इसलिए दोस्तों क्योंकि इनका जो सामने नेटवर्थ है वो सिर्फ 8 करोड़ का है और सामने बोरिंग जो है वो 22 करोड़ की है, तो नेटवर्थ से काफी ज्यादा ये रेशियो है। तो इसलिए ये हमें जो है इस फाइनेंशियल्स के अंदर काफी मेजर वाला कंसर्न जो हमें देखने को मिल रहा है। अभी अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो ईपीएस जो कंपनी का है वो 3.58 का है और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे कंपनी जो आईपीओ लाने वाली है वो अराउंड 111 रुपए का है। तो दोस्तों, अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 31 का जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे निकल कर रहा है, जो कि ऑन द हायर साइड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी इनकी जो पीयर कंपैरिजन में लिंकन फार्मास्यूटिकल्स है उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखेंगे तो 9.14 का है, वहीं इसका 31 का है। तो इस काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने वैल्यूएशन अपना काफी ज्यादा रखा है। सेकेंडली, अगर आप इनका बुक वैल्यू पर शेयर देखोगे तो 8.23 का है, तो बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू भी निकालेंगे तो 13.48 का निकल के आ रहा है। वहीं दूसरी कंपनी का अगर आप देखोगे तो 216 के सामने 316 का जो प्राइस है, तो वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू इतना ज्यादा नहीं है लेकिन इस कंपनी का काफी ज्यादा है। हालांकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो काफी अच्छा खासा है, लेकिन वैल्यूएशन यहाँ पे फॉर श्योर ऑन द हायर साइड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अभी आईपीओ डेट की बात करें तो 29 मार्च को जो है यह आईपीओ आने वाला है और 3 अप्रैल को जो है यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर और आईपीओ का जो प्राइस रहेगा वो ₹111 प्रति शेयर का रहेगा। लॉट साइज 1200 शेयर्स का रहेगा और इश्यू साइज जो है 33 करोड़ का रहेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है फ्रेश इश्यू रहने वाला है और यहाँ पे इश्यू टाइप जो रहेगा वो बुक बिल्डिंग इश्यू रहेगा। इसका लिस्टिंग जो रहेगा वो NSE SME पे रहने वाला है। QIB कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स, HNI कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 35% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट डेट रहेगा वो 10 अप्रैल का रहने वाला है। 11 अप्रैल को जो है रिफंड आ जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 12 अप्रैल तक। और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है वो 13 अप्रैल का रहने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स का लॉट साइज है तो मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए होगी वो ₹1,33,200 चाहिए होगी। और अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो 2400 शेयर्स के लिए जो आपको अमाउंट चाहिए होगा वो रहेगा ₹2,67,400। तो ये तो हुई लॉट साइज की बात दोस्तों। अभी बात करते हैं कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों पॉजिटिव में एक पॉजिटिव ये कि इनके काफी सारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स है। दूसरा पॉजिटिव हमने देखा कि इनकी प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है उनका जो 90 करोड़ जो है ये टैबलेट्स हर साल जो मैन्युफैक्चरिंग करते, तो उस हिसाब से जो आगे जाके जो है कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो कर सकती है नो डाउट। लेकिन कंसर्न वाले फैक्टर में ये कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है काफी हमें कम देखने को मिला। दूसरा कंसर्न वाला फैक्टर ये था कि इनका जो बोरिंग्स है वो जो है काफी काफी जो है स्पीड से जो है इंक्रीज हो रहा है। हमने देखा कि 11 करोड़ से 22 करोड़ जो है लास्ट 6 मंथ्स में जो है इनका बोरिंग्स इंक्रीज हो गया, तो वो भी एक कंसर्न वाला फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट कंसर्न वाला फैक्टर ये है कि इनका वैल्यूएशन जो है वो भी काफी हाई है। तो दोस्तों यहाँ पे कंसर्न्स बहुत सारे हैं लेकिन पॉजिटिव्स जो है काफी कम है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप चाहो तो इस आईपीओ को जो है अवॉइड कर सकते हो और वही जो आपके पैसे वो आप कोई अच्छे कोई दूसरे आईपीओ में आप जो है लगा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो है वैल्यूएशन भी हाई है प्लस बोरिंग्स भी हाई है प्लस मार्जिन जो है वो काफी कम है और कंपनी को जो है बीच में हमने देखा कि नुकसान भी हुआ था कंपनी को। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है वो जो है कंसर्न वाला सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप जो है अपना रिसर्च जरूर कर लेना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बिकॉज अल्टीमेटली पैसे आपके, तो रिसर्च भी दोस्तों आपको ही करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।